लोगों की पहली पसंद महिंद्रा की स्कॉर्पियो। महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया 2020 का न्यू वर्जन। क्या बदलाव रहेगा पुरानी स्कॉर्पियो से इस न्यू स्कॉर्पियो में? देखा जाए तो इस कार को 4 वेरिएंट यानी कि 4 वेरिएंट में लॉन्च कर दिया गया है और इन 4 वेरिएंट की कीमत के बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो के न्यू वर्जन के बारे में पूरी जानकारियाँ। यह वीडियो आपको देखने के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो 2020 BS6 वेरिएंट के बारे में आपको और कहीं वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपकी सारी बातें कवरेज कर दूंगा। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए राज व्हीकल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात की जाए इंजन के बारे में, तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो 2020 में आपको BS6 इंजन देखने के लिए मिलेगा। महिंद्रा की स्कॉर्पियो आपको 4 वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी। फर्स्ट रहेगा S5, सेकंड रहेगा S7 और थर्ड रहेगा S9 और फोर्थ रहेगा S11। इस प्रकार से आपको 4 वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी। इन 4 वेरिएंट के बारे में मैं आपको फुली तरीके से एक्सप्लेन करूंगा या फिर इनकी स्पेसिफिकेशन, इनकी कीमत, सब कुछ खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूं। अब बात की जाए डिज़ाइन के बारे में, इसमें आपको फ्रंट में हेड लैम्प और इसके ही जस्ट नीचे फॉग लैम्प देखने के लिए मिलेगा। बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में आपको स्टाइलिश टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी। न्यू स्कॉर्पियो में 3 केबिन ऑप्शन के साथ यह आएगी। फर्स्ट रहेगी 7 सीटर, सेकंड रहेगी 8 सीटर और थर्ड रहेगी 9 सीटर। जी हाँ दोस्तों, 7 सीटर, 8 सीटर और 9 सीटर में यह आने वाली है। बात की जाए इंजन के बारे में, इसमें आपको 2.2 लीटर का BS6 कैटेगरी इंजन देखने के लिए मिलेगा। पावर ऑप्शन की बात की जाए तो इसका बेस वेरिएंट यानी कि S5 में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ देखने के लिए मिलेगी, जबकि बात की जाए S7, S9 और S11 में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह आएगी। अब एक एक करके महिंद्रा स्कॉर्पियो की इन 4 वेरिएंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं S5 के बारे में। इसमें आपको फ्रंट में 2 एयरबैग, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑटो डोर लॉक, ऐसे ही कई फीचर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा S5 में आपको इंटीरियर की बात की जाए AC व हीटर जैसे भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब बात की जाए S7 के बारे में, इस वेरिएंट में वो सारे फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो S5 में मिलते थे। इसके अलावा देखा जाए इसमें आपको क्रोम फिनिश AC वेंट, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, लेटेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट हेडलैम्प, ऐसे ही कई फीचर देखने के लिए मिलेंगे। अब बात की जाए S9 के बारे में, S9 के अंदर S5 और S7 के सारे फीचर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए इसमें आपको LED DRL लैम्प, ऑटो AC, क्रूज कंट्रोल के साथ टर्न इंडिकेटर, 7 इंच का टच स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं S11 यानी कि टॉप वेरिएंट के बारे में। इसमें S5, S7 और S9 के सारे फीचर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 7 इंच का टच स्क्रीन, GPS नेविगेशन जो कि 10 लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, 4 कलर ऑप्शन में आपको यह मिलेगी। अब बात की जाए टॉप स्पीड के बारे में, 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड रखी गई है। महिंद्रा ने इन कारों को लॉन्च कर दिया है, ये आपको कब मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी? बात की जाए एक शोरूम प्राइस की, तो S5 की प्राइस 12,40,000, S7 की प्राइस 14,30,000, S9 की प्राइस 14,90,000 और S11 की प्राइस 16,30,000 रुपये रखी गई है। अब ये आपको कहाँ मिलेगी? जैसा कि महिंद्रा ने इसको लॉन्च कर दिया है, ये शोरूम पे आना चालू हो जाएगी। आप अपने नज़दीकी शोरूम से इसको ले लीजिएगा। और इसके अलावा क्या लगता है महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।